हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योरसेल्फ। मैं हूँ ज्योत्सना। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या क्राफ्ट की शॉपिंग की है और मेरे पास कौन कौन से क्राफ्ट मटीरियल हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो एक्रिलिक कलर मैं अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में यूज़ करती हूँ, जो एक्रिलिक कलर मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। तो मैं फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर यूज़ करती हूँ, उसे फैब्रिक कलर भी कहते हैं। ये हमारा 15 ml आता है 20 rupees का। मैंने एक शाइनिंग कलर यूज़ किया था, जिसको बहुत सारे लोगों ने पूछा था ये कौन सा कलर है, तो वो पर्ल कलर है। तो वो फेविक्रिल का पर्ल कलर है और नॉर्मल कलर्स आते हैं, दो तरह के कलर आते हैं और एक मेटलिक कलर आता है। तो मेटलिक कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, पर्ल कलर जो होते हैं वो शाइनी भी होते हैं और उस पर अच्छा कलर भी आता है। कलर होते हैं वो 10 ml आते हैं 20 rupees के। आप चाहे तो बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं, इसका एक बड़ा आता है। ये आपको कई सारे शॉप्स में नहीं मिलेगा। मैंने ये ऑनलाइन ख़रीदा था जो 100 ml का है। 100 ml का मुझे मिला था 110 rupees का। जो मेटलिक कलर है ये हमें नहीं ख़रीदना है, ये अगर हमें गोल्डन कलर चाहिए तो वही हम मेटलिक कलर ख़रीदेंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि पर्ल कलर ख़रीदें, फेविक्रिल का पर्ल मेटलिक कलर ना ख़रीदें, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और कलर्स भी अच्छे नहीं आते हैं। बाद मैंने ग्लिटर फोम शीट ख़रीदी है। ये ग्लिटर फोम शीट 10 rupees की एक A4 साइज़ की शीट मिलती है। फेल्ट ख़रीदा है, फेल्ट शीट भी A4 साइज़ हमारे 10 rupees पर शीट मिलती है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन मैंने ग्लिटर फोम शीट ख़रीदी थी 100 rupees की 10 sheets, तो लोकल स्टोर से ख़रीदी है इस बार। और अगर आप ग्लिटर फोम शीट को पर शीट नहीं भी ख़रीदना चाहते हैं, डिफरेंट कलर के स्टिकर्स चाहते हैं, तो मैंने ये स्टिकर्स ख़रीदे हैं। ये 30 rupees का पूरा पैकेट है। तो हाँ, ये बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं। इसके बाद मैंने क्रिस्टल स्टिकर्स ख़रीदे हैं। ये क्रिस्टल स्टिकर्स आपको मेरे को मैंने ये 20 rupees में ख़रीदे हैं और ये बड़े स्टिकर्स मैंने 40 rupees के ख़रीदे हैं। आपको शायद 25 rupees के जो छोटे वाले स्टिकर्स हैं वो मिल जाएं। स्टिकर्स को स्टिक करना बहुत ही आसान है, आप किसी भी क्राफ्ट में अपने यूज़ कर सकते हैं। बस जितना चाहिए उसे इतना निकाल लीजिए और स्टिक कर दीजिए इस तरीके से। मैंने नॉर्मल फोम शीट भी ख़रीदी, अगर कुछ बड़ा चीज़ बनानी होती तो उसके लिए हमें, या फ़ोटो फ्रेम्स बनाने होते तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने लेस ली है, इसे कैसे भी कट करके लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। ये 70 rupees मीटर मिली है मुझे। इसे हम कैसे भी एक लेयर में, दो लेयर में कट करके लगा सकते हैं। ये सिल्वर गोल्डन दो कलर की मिलती है 70 rupees पर मीटर। ये भी मुझे 70-80 rupees पर मीटर मिली है। पर्ल की लेस है, इसे भी कैसे भी कट करके लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लगती है, आप किसी भी क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं इसे। ये मैंने रोप ली है जो कि 20 rupees की है, मुझे पता नहीं इसमें कितने मीटर हैं। और ये मैंने दो रिंग्स ली हैं 10-10 rupees की, इससे वॉल हैंगिंग बनाई जा सकती है। ये मैंने फ़िश वायर लिया है, ये पूरा 20 rupees का पैकेट है। ये ट्रांसपेरेंट वायर होता है, इससे आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हैंगिंग टाइप की चीज़ें बनाते हैं। ये मैंने फोम के फ्लावर्स लिए हैं जो कि 20 rupees का एक बंच है, तो बहुत ही अच्छा है ये। आप चाहे तो फोम शीट से बनाए या 20 rupees का ये पूरा ले लें और किसी भी चीज़ को इससे डेकोरेट कर सकते हैं, गिफ्ट्स को, कार्ड्स को। ये मैंने पॉम पॉम लिया है 20 rupees का पैकेट है, इसमें डिफरेंट कलर के पॉम पॉम है। ये वुडन बीड्स मैंने लिए, ये भी 20 rupees का पैकेट है। बीड्स हमारे वॉल हैंगिंग्स में यूज़ होते हैं, तो मैंने बहुत सारे बीड्स लिए हुए हैं। ये बॉल चेन है, मैंने ये 80 rupees का एक पैकेट पूरा मिला हुआ है, तो इसमें अराउंड 20 meters हैं, ऐसा कि शॉप वाला बोल रहा था, पर आई डोंट नो कितने मीटर्स हैं, बट हाँ 80 rupees का काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल गया, तो ये बहुत ही अच्छा।
बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया। इसके बाद मैंने कुछ स्टोन्स लिए हैं जो कि आप फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं या फेविकॉल से, अगर आप क्लोथ पे चिपका रहे हैं तो आप फैब्रिक ग्लू यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टिक होता है। ये 50 रुपीज़ का पैकेट है और छोटे वाले पैकेट 20 और 10 रुपीज़ के हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ स्टोन्स। ये मैंने 2 स्ट्रिंग्स ली हैं हाफ पर्ल की, 1 स्ट्रिंग 20 रुपीज़ की है, तो ये थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी, बट इट्स ओके, मैंने 2 स्ट्रिंग्स ले ली। ये भी मैंने स्टोन्स, ये मैंने बीड्स लिए हैं 20 रुपीज़ के पैकेट हैं। ये मैंने टेराकोटा के बीड्स लिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कुछ और बीड्स लिए हैं, सब 20 रुपीज़ के पैकेट हैं। फेविकॉल लिया है जो कि 500 ग्राम 110 रुपीज़ का था। आप कोई भी छोटा फेविकॉल यूज़ करते हैं तो वो हमारा, ये मेरा जैसे 200 ग्राम है 70 रुपीज़ का, तो बड़ा लेने पे आपको सस्ता मिलता है, आपको कम प्राइस में मिलता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्राफ्ट बनाते हैं तो आप बड़ा फेविकॉल यूज़ करें। ये फैब्रिक ग्लू है, ये हमारा 36 रुपीज़ का 80 ml है। और मैंने कुछ ग्लू स्टिक्स लिए हैं जो कि 10 रुपीज़ की हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।